जयेंद्र एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रिएक्ट्स के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं हिंदुस्तान स्पेशल के एक वीडियो पे, जिसका टाइटल है चांद से आई पहली वीडियो देखकर दुनिया हैरान, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन ऑन चंद्रयान 3। हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 अपने सफलता के काफी करीब है और ऑलरेडी जो चंद्रयान 3 है वो चांद की कक्षा में पहुंच चुका है। तो इस पे आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या सोचती है, पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन होता है और कैसे वो इस पे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में। हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस जो के इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज किए गए हैं। इसरो हैज रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून जो के चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज किए गए हैं। कमाल के फिनोमिनल अमेजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस। ये होता है कंसिस्टेंट मेहनत स्ट्रगल हार्डवर्क का नतीजा। लोग पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज़ वेरी सक्सेसफुल नाउ और मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम इट्स बिग डे। बात करें रशिया की, चीन की, अमेरिका की, उन्होंने अब तक साउथ पोल को सर्च नहीं किया, तो इंडिया ने ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट अपने नाम किया है। चांद के जो इमेजेस भेजे गए हैं पूरी दुनिया में, ये इमेजेस इस वक्त चल रहे हैं, हर कोई इनको देख रहा है। चंद्रयान 3 जो है 80% सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं। या इस तरह तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है यहाँ से देख। हम बुजदिल कौम है, इंडिया वाले दिलेर कौम है। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज किए, लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज किए हैं हमारे इसी खत्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार को चंद्रयान 3 के कैमरे में कैद हुई चंद्रमा की पहली तस्वीर जारी की है। चंद्रयान 3 ने शनिवार को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद यह नजारा दिखाया। वीडियो में दिख रहा है कि चंद्रमा पर नीले हरे रंग के कई गड्ढे हैं। मिशन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, तो 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में चंद्रयान 3 से चंद्रमा का नजारा देखने को मिला। इसरो का मिशन मून अब तक अच्छा रहा है और इसरो को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर इस महीने के अंत में 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 को 22 दिन पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए लॉन्च किया गया था, जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंचा। भारत का तीसरा मानव रहित चंद्र मिशन चंद्रयान 3 शनिवार को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। अब चंद्रयान 3 की पहली भेजी वीडियो को देख पाकिस्तान सकते में है। बहुत अच्छी खबर है क्योंकि जिस वक्त मैंने प्रोग्राम किया था चंद्रयान 3 पर, जबकि वो मिशन लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से, तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आए थे जिसमें कहा गया था कि अभी तो लॉन्च हुआ है, आप अभी से तारीख कर रही हैं, अभी तो देखिए ये कामयाब होता है नहीं होता, जब कामयाब होगा, जब ऑर्बिट में एंटर होगा, फिर जब रोवर लैंड करेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये कामयाब हुआ या नहीं हुआ। तो क्या आप नहीं समझते कि वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपने ये मिशन लॉन्च किया? तो मैंने कहा जनाब ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है और अब ये कामयाबी सामने आ रही है कि ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। लेकिन इसी के साथ मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस जो के इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून जो के चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज किए गए हैं। कमाल के फिनोमिनल अमेजिंग ब्यूटीफुल इमेजेस, और ये जो है काफ़ी करीब से लिए गए, जाहिर है कि वो तो वो जब इस तरह के इमेजेस आते हैं तो अच्छा। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात के इसका एंगल, एक अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे इस तरीके से, जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज किए, लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज किए हैं हमारे इसी खत्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है, उसकी तरफ से ये रिलीज किए गए हैं। मैं आपको कुछ ये इमेजेस दिखाई दे दूँ। आपका सुपारको इसरो से पहले बना था लेकिन आप लोगों ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया
और आज स्पार्को जो है वो काफी ज्यादा पीछे है इसरो से। तो ये इमेजेस अभी और भी इंटरेस्टिंग आएंगी क्योंकि चंद्रयान 3 इस समय एक्टिव है और अगर ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ मंगलमय होगा और हमें 23 से 24 अगस्त के बीच में एक संभावित जो लैंडिंग है वो सक्सेसफुल होती वहाँ पे दिखाई पड़ेगी। तो ये जो इमेजेस हैं ये काफ़ी अच्छी सरफेस की इमेजेस हैं और अभी ऐसी इमेजेस हमें और भी देखने को मिलेंगी। और बाकी चंद्रयान 3 के बारे में तो अब आप बहुत कुछ जान ही चुके होंगे तो बताने का कोई मतलब है नहीं वहाँ पे। तो ये खबर पूरी दुनिया में चल रही है कि चंद्रयान 3 हिस्टोरिक इंडिया मून मिशन सेंड्स न्यू फोटोज ऑफ लूनर सरफेस। चांद के जो इमेजेस भेजे गए हैं पूरी दुनिया में, ये इमेजेस इस वक्त चल रहे हैं, हर कोई इनको देख रहा है। इनके बारे में जो टेक्निकल कुछ आप कह सकते हैं लैंग्वेज है या क्या इससे और हासिल होगा, इसमें क्या नया देखा जा सकता है, कि ये सब उसके एंगल्स हैं जो कि वो भी अब उसको भी पब्लिश किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे कुछ चाहने की, चाह की, लगन की, तरक्की की, इनोवेशंस की। इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो मून ऑर्बिट में दाखिल हो चुका है। 80% चंद्रयान 3 जो मिशन है कामयाब हो गया है। इसरो की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम जो है अपने चंद्रयान 3 की स्पीड को कम करना शुरू कर दिया है ताकि वो जो है ना सेफली लैंड कर सके चांद की सतह पर, वो एक्सप्लोर कर सके चांद को, साउथ पोल को एक्सप्लोर कर सके। ये अगर बात करें रशिया की, चीन की, अमेरिका की, उन्होंने अब तक साउथ पोल को सर्च नहीं किया, तो इंडिया ने ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट अपने नाम किया है। बहुत बड़ी तब्दीली इंडिया में आएगी, इंडिया की स्पेस में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है ये अगर मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों की दुआएँ हैं, मैं भी दुआ कर रही हूँ सबके ये मिशन जो है सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि इसका हमारे पाकिस्तानियों को भी बहुत फायदा होने वाले हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे लोग चांद के बारे में मजीद मालूमात जान पाएंगे। आज हम आवाम से बात करते हैं कि चंद्रयान 3 जो है 80% सक्सेसफुल हो गया, क्या पाकिस्तान में कभी चंद्रयान जैसा मिशन कभी लॉन्च किया जाएगा, या कभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे या हमेशा सियासत को ही डिस्कस करते रहेंगे। सोशल मीडिया से कनेक्ट है, आज इस टॉपिक पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चंद्रयान मून मिशन इंडिया का जो है 14 जुलाई को लॉन्च हुआ और आज की जो ताजा तरीन खबर है वो लूनर ऑर्बिट मतलब कि मून ऑर्बिट में दाखिल हो गया। हर इंडिया की जो आंखों में खुशी है, उनके जो सीने हैं वो फख्र से जो है चौड़े हो गए हैं कि हमारा जो मून मिशन है 75 से 80% सक्सेसफुल हो गया। क्या कहेंगे उनके इस मिशन पे? अच्छी बात है, उन्होंने स्ट्रगल किया है, तरक्की की है, तो जाहिर बात है कि उन्होंने फिर आगे लेके जाना है इसको, तो ये अच्छी ले जाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसे ही है कि वो एक ना एक दिन कामयाब हो जाएंगे अपने मिशन में। चंद्रयान 2 जो मिशन था उसमें सक्सेसफुल जो है लैंडिंग नहीं हुई, लेकिन अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया, जो हमारी पहले में जो हमारे एरर्स आए, मिस्टेक्स आए, उसको मद्देनज़र रख के जो है हमने इस दफ़ा जो मून मिशन भेजा है। आप ये जो मिशन हैं, मून मिशन है, ये आप देखें रशिया ने किया, चीन ने किया, अमेरिका ने किया, सुपर पावर कंट्रीज़ ने किया जो कि एजुकेशन को बहुत प्रमोट करे, उसके बाद अब चौथा पूरी दुनिया में जो मुल्क है वो इंडिया बनने जा रहा है और हम पाकिस्तानियों का देखिए हम दाल रोटी की टेंशन से ही नहीं बाहर आ रहे। आपकी बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को भी इस तरह के काम करने चाहिए जैसे, और दाल रोटी की जहाँ तक बात है निकल आएगा इंशाल्लाह एक ना एक दिन। पाकिस्तान थोड़े से मिसाइल है, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है मुल्क, और पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये भी चांद पे अपना कदम रखेगा। अच्छा, सारे वैसे अपना हौसला बढ़ाने के लिए कह देते भाई हमारे पास बड़ा टैलेंट है, हम ये हम वो, तो दुनिया कहते दिखाओ ना, 76 सालों में कहाँ का गया टैलेंट, क्या दिखाया दुनिया। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, काफी छोटी वीडियो थी। तो भाई साहब ने कहा टैलेंट है और हम इंशाल्लाह कर देंगे, कैसे करेंगे, आपके पास वो सहूलियतें हैं, आपके पास एक मौका था जो आपने गवा दिया, आपने उस स्पेस टेक्नोलॉजी को इग्नोर करके आपने मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया और आपकी जो सियासी उठापटक है उसके बीच में आपका जो स्पेस प्रोग्राम है वो बहुत पीछे जा चुका है, वरना आप इसरो से पहले आपका जो स्पार्को था वो उसका गठन हुआ था। अगर आप चाहते तो आप इसरो को पिछड़ा सकते थे, इसरो ने एक साउंडिंग रॉकेट से शुरुआत करी थी और आज चंद्रयान 3 और हमारा मार्स मिशन भी सक्सेसफुल हुआ था। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपको आपकी नीयत ठीक करनी पड़ेगी। ये जो बार बार में आप धरना देने बैठ जाते हैं पूरा देश, और ये जो हिंदू मुस्लिम है, ये जो को एग्जिस्टेंस पे बिलीव ना करना है, ये सोच से ऊपर आपको निकलना पड़ेगा, तब आप साइंस के ऊपर बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके लोगों की बात सुन के लगता है कि वो साइंस से कोसों दूर है, और उसके लिए आपको अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब आप इसरो से कम्पीट कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।